सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 8 पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है वर्ण विचार परिभाषा। भाषा की का सबसे छोटा खंड जिसके और खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है, क स्वर वर्ण, ख व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है। हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर हैं। इन्हीं का प्रयोग देखने में आता है। अ आ ई ई उ उ री ए ए ओ औ। अयोगवा अंग और अ को अयोगवा कहा जाता है। विसर्ग। विसर्ग संस्कृत शब्दों के अंत में आता है। यह संस्कृत शब्दों में लगता है। इसका उच्चारण प्रायः ह की तरह किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः, दुख आदि। स्वर के भेद। स्वर के तीन भेद हैं। हस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हस्वर कहते हैं। हस्वर 4 हैं। अ ई उ री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्वर से दोगुना या दो मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ए ओ औ। लुप्त स्वर, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे हिंदी की 3 संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ओम। स्वरों की मात्राएं। लिखते समय स्वरों का प्रयोग केवल स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि व्यंजनों के साथ मिलाकर भी किया जाता है। लिखते समय वर्ण को स्वर विहीन दिखाने के लिए हरण लगा दिया जाता है, जैसे तो एक तिरछी रेखा उन वर्ण स्वर वर्णों के व्यंजन वर्णों के नीचे लगा दी जाती है, छोटी सी, त म ह क आदि। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं, स्वर अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ औ। मात्रा क, क में कोई स्वर की मात्रा नहीं लगाया लेकिन उसमें छिपा हुआ है, का काम, की कवि, की बड़ी मात्रा, खीर, कु गुलाब, कु झूला, री कृपा, की केस, कै हैं, को शोर, कौ और। विशेष सभी मात्राएं क व्यंजन में लगाई गई हैं। प्रथम और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में जुड़ा रहता है जो उसके उच्चारण के साथ प्रतीत होता है। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें उच्चारण स्थानों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, क ख ग घ अंग। मृदु तालव्य कंठ स्पर्श उच्चारण स्थान है ये, मृदु तालव्य कंठ स्पर्श। चवर्ग, च छ ज झ ञ तालव्य स्पर्श स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। फिर है टवर्ग, ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन। फिर है तवर्ग, त थ द ध न दंत्य स्पर्श व्यंजन। पवर्ग, प फ ब भ म ओष्ठ स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ, य र ल व अर्ध स्वर उष्म, स बड़ा स, स मूर्धन स, स ह उष्म या संघर्षी व्यंजन। र और र मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन। संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित
व्यंजन। संयुक्त अक्षर जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। छ, त्र, य, स्त्र, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त व्यंजन ऊपर लिखे गए व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजनों के चार और रूप देखने में आते हैं। छ, क प्लस स, क्षमा, कक्षा, पक्षी, सुरक्षा, शिक्षा। त्र, त प्लस र, त्रस्त, त्रुटि, यात्रा, छात्र, पत्र, मित्र। ज्ञ, ज्ञ प्लस ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, आज्ञा, संज्ञा, विज्ञान, ज्ञात। स्त्र, स प्लस र, स्त्रम, स्त्री, श्रेष्ठ, परिश्रम, आश्रम, श्रीमान। द्वित व्यंजन, व्यंजनों को आपस समरूप व्यंजन से मेल होने पर द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे च प्लस च, कच्चा, क प्लस क, चक्की, स प्लस स, रस्सी, न प्लस न, अन्न, ड प्लस ड, लड्डू इत्यादि। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, अनुस्वर अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाला। अनुस्वार और नासिका के साथ बोले जाने वाला अनुनासिक अंतर को समझिए। अनुस्वार, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अंग, इयो, नो, नो, मो व्यंजन है जो अनुस्वार रूप में आते हैं, अर्थात यह पंचम वर्णों को बताता है। अनुस्वार का चिन्ह जो बिंदु है जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। अनुनासिक, अनुनासिक स्वरों का गुण है अ, आ, ऊपर चांद के आकार का बनकर उसमें पॉइंट लग जाता है। ई, ई, ए, ए, ओ, ओ, वे स्वर हैं जिनके साथ है अनुनासिकता आती है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। आंख, दांत, बुंद, मुंह आदि शब्दों के ऊपर लगाया जाता है। अ वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अनुस्वार हंस, अनुनासिक हंस, यह अंतर होता है। हंस एक पक्षी का नाम, हंस एक क्रिया, हंसना। हलंत, विसर्ग, नुक्ता और अंग्रेजी की ध्वनियां को हलंत। प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर अवश्य रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना अस्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। जहां पर व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने की आवश्यकता होती है वहां हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस शब्द में त वर्ण अर्थात अर्थात शब्द में त वर्ण स्वर रहित है, इसलिए त के नीचे तिरछी रेखा लगाई गई है। विसर्ग, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह के समान किया जाता है। इसका चिन्ह विसर्ग जैसा है, है दो एक पॉइंट ऊपर नीचे होती है दो पॉइंट। हिंदी में इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, दुख आदि। उर्दू की ध्वनियां, नुक्ता। उर्दू की पांच ध्वनियों ने हिंदी को प्रभावित किया है। क, ख, ग, ग, क, ख, ग, ज, फ। इन ध्वनियों के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। हिंदी में केवल ज और फ के नीचे ही नुक्ता लगाया जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग न करने पर अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे सजा, सजा, सजाना, सजा, दंड। अंग्रेजी के अनेक संज्ञा शब्द हिंदी में इस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं मानो वे हिंदी के ही हों। और आगत ध्वनियां, यह अंग्रेजी से आगत ध्वनि है। हिंदी में इसके संपक समकच ओ है, परंतु अंग्रेजी में यह कुछ कुछ आ और ओ को मिलाकर बोली जाने वाले ध्वनि है। हिंदी के शब्द माल, बाल, अंग्रेजी के शब्द मॉल, बॉल आदि। र के विभिन्न वर्ण संयोग। व्यंजन में र की लघुतम स्थिति अन्य व्यंजनों से छोटी इकाई अलग है अपितु है। वर्ण के इसके अनेक रूप नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि र का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। जैसे कथात पर किसी समान र अर्थ और वर्ण और ध्वनियों को रोना, रबड़, रोक, रे, जानना, फिर है और रहित संयुक्त व्यंजन है।
कर्म निर्णय कार्य उससे शब्द बनता है मूर्ति परीक्षा फिर असहित रो प्लस ब्रेल ग्रंथ अंग्रेजी प्लस यह रो एक तिरछी रेखा ई प्लस रूप को प्लस व्यंजन में स्वर रहित आ फिर स्वर रहित रूप के साथ पॉ प्लस आता है जिसे भ्रम का ई वर्ण ध्वनि होगा प्लस र र प्लस अ प्लस म प्लस ज्ञान यह भ स्वर रहित है और र ई स्वर सहित च प्लस ञ प्लस सहित र न प्लस उल्टे वी आकार का लगता है इसमें ड्रम प्लस ई राष्ट्रीय स प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस म द्वित व्यंजन हड्डी उल्टे वी के आकार का होता है जैसा कि शब्दों में बताया गया है यह केवल प्लस और प्लस अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही आता है। अनुस्वार वर्ण विच्छेद में अनुस्वार के स्थान नीचे दिए गए उदाहरणों के आधार पर प्रदर्शित की जा सकती है कंगन क प्लस अ प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस अ प्लस न प्लस अ चंचल च प्लस अ प्लस अनुस्वार या पंचम वर्ण आपको पता ही है कवर का लास्ट पांचवा वर्ण चवर का पांचवा वर्ण वही च का यहाँ पांचवा वर्ण प्रयुक्त हो रहा है या पंचम वर्ण भी हम लिखेंगे तो वह गलत नहीं होगा प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ विशेष वर्ण विच्छेद के समय सभी वर्णों में हलंत की मात्रा अवश्य लगानी चाहिए जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे उसके नीचे हलंत एक छोटी सी तिरछी रेखाएं लगानी होगी तभी हमें पता लगेगा कि यह वर्ण स्वर रहित है। धन्यवाद।